तो कैसे हैं आप लोग, आ गया हूँ आप लोग को न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आप लोग भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो एडिटर और स्क्रीन रिकॉर्डर की तलाश में हैं तो आज मैं आपके साथ इसी बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मदद से आप लोग अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप पूरी तरह से एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपली ट्राई इट फ्री के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोग इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डर मिल जाता है, उसके अलावा साथ ही हमें यहाँ पे वीडियो एडिटर भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो रिकॉर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने इसके बहुत से फीचर्स शो हो जाएंगे। इसमें हम लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन एंड कैमरा मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है, गेम को रिकॉर्ड करने के लिए गेम का फीचर मिल जाता है, विर्चुअल अवैटर मिल जाता है, वीडियो प्रेजेंटेशन के यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम लोग स्क्रीन के ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों को कितने एरिए की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टूल बार में आपको यहाँ पे और भी बहुत से फीचर्स नज़र आ रहे होंगे जिनको हम लोग एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन मिल जाता है, स्क्रीन कैमरा, कैमरा, गेम, वर्चुअल अवैटर और वीडियो प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, फुल स्क्रीन मिल जाएगी, कस्टम सिलेक्शन, यूट्यूब आप लोग साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्टैंडर्ड साइज आप लोग यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को यहां पे वेबकैम का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप लोग ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन और यहां पे सिस्टम ऑडियो को अगर आप लोग ऑन करना चाहें ऑन कर लें, नहीं तो इसको ऑफ ही रहने दें। उसके साथ हमें यहाँ पे शेड्यूल करने के लिए भी इसको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग को शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट टाइम को सिलेक्ट करें, एंड टाइम को सिलेक्ट करें और इसको सिंपली यहाँ पे अपना सेफ पाथ चूज़ करके सेट अ रिकॉर्डिंग टास्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपली रेड बटन पे क्लिक करके इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेना है। 3, 2, 1 करके ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर हमें इसकी टूल बार शो हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसके काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर इसका हम लोग पेंसिल टूल देखें तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपने कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट का इसका फीचर मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप लोग फॉन्ट सेलेक्ट करके कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शेप मिल जाती हैं, इनके आप लोग साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, शेप्स आपको लहदा लहदा मिल जाती हैं, सिलेक्ट करके इनको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एरो मिल जाता है, लाइन मिल जाती है, रेजर मिल जाता है, उसकी मदद से अगर कोई भी चीज़ आपको रेस करनी हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तमाम सेटिंग कम्प्लीट होने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो ये यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप करने के बाद ये आपको प्रोजेक्ट की शक्ल में शो हो चुकी है। आप लोग उसके टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको पूरी तरह से यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं एक वीडियो की यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वीडियो इफेक्ट, ऑडियो इफेक्ट मिल जाएगा। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोग उसका AI ब्यूटी फिल्टर देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे वीडियो रिमूवर मिल जाता है जिनको हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट रिमूवर है, इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी वीडियो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे वाटरमार्क शो हो रहा है। अगर हम लोगों को इसको यहाँ से ख़त्म करना है तो सिंपली क्या करें, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपने वाटरमार्क को सिलेक्ट करें जिसको आप लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो इसने बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिकली हमारी पूरी वीडियो से वाटरमार्क को रिमूव कर दिया है। तो एक क्लिक की मदद से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ब्यूटी फिल्टर की बात करें तो उसको ट्राई करने के लिए आप लोगों को अपनी एक वीडियो को जिसके ऊपर अपने इफेक्ट को अप्लाई करना है, वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे ले आएँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो अभी कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली AI ब्यूटी फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा फिल्टर्स आप लोगों को शो हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे फिल्म फिल्टर शो हो रहा है, स्लिमिंग फेस,
नेचुरल ब्यूटी फिल्टर आप लोगों को शो हो रहा है, स्मूथ और वाइटनिंग फिल्टर जैसे यहाँ पे आपको बहुत से फिल्टर शो हो रहे हैं। आप लोग इसकी एडवांस सेटिंग में जाकर इसकी स्किन टोनिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फेस स्लिमनेस को आप लोग यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चिन का साइज़ आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आईब्रोज भी आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। आइज़ का आप लोग साइज़ सेलेक्ट करने के बाद जब आपकी तमाम सेटिंग कंप्लीट हो जाए, सेव करके आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका एक और यूनिक फीचर यहाँ पे वॉइस चेंजिंग का है, इसकी मदद से आप लोग यहाँ से इसकी वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी वॉइस मिल जाती हैं, अगर मैं आपको इनको चेक कराऊं। वंडरशेयर क्रिएटिविटी सिंपलीफाइड, वंडरशेयर क्रिएटिविटी सिंपलीफाइड, शेयर क्रिएटिविटी सिंपलीफाइड। तो ये हमें कुछ इस तरीके से सुनने में शो हो जाएंगी, तो आप लोग इनको भी सिलेक्ट करके सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। लास्ट फीचर हमारा जो है वो है क्रिएट एनिमेटेड सबटाइटल्स का। आप लोग यहाँ पे सबटाइटल्स भी अपनी वीडियो को जनरेट कर सकते हो। उसके सबटाइटल्स जनरेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग ऑटो सबटाइटल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटो वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज को सिलेक्ट करके स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर की मदद से आप लोग एक ही क्लिक से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है एक ही क्लिक की मदद से अपने सबटाइटल्स को भी जनरेट करना, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।